में शारीरिक शिक्षक बनने का सपना देखने वाले हजारों युवा इन दिनों सरकार से आस लगाए बैठे हैं। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक अध्यक्ष संदीप घई ने कहा कि प्रशिक्षित बेरोजगार युवा सालों से शिक्षक बनने की चाह में, नौकरी लगने की अधिकतम आयु सीमा 45 साल भी अब पूरे करने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का भविष्य क्या अंधकार में होगा या सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं संदीप घई, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हिमाचल प्रदेश। तो मैं ये आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरा यही क्वेश्चन है कि आज गवर्नमेंट को 4 साल होने को आए हैं, अभी तक हमारी इन्होंने जो भी पीटीआई की एक भी पोस्ट नहीं भरी है, जबकि स्कूलों में ओवरऑल जितने में मिडिल प्राइमरी में डाल के लगभग 4,000 तक पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अकेले ही लगभग जो अभी भी जो कि 18-2 हज़ार पोस्टें तो वैसे भी वैकेंट पड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस सरकार ने अभी भी हमारी कुछ पोस्टें निकाली थी 870 जो कि पिछले 6 महीने से कोर्ट में लटकी हुई हैं। तो मेरा यही है कि इन्होंने यही मानना है, ये सरकार से मेरा यह आग्रह है और माननीय श्री जयराम ठाकुर से और शिक्षा मंत्री से कि श्री गोविंद ठाकुर जी से कि वो हमारा इसमें अपनी पक्ष रखते हैं, हमारा इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कराएं ताकि हमारे रोजगार मिल सके। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है क्योंकि अब तक 45 साल कर चुके हैं और कहीं को तो वो कमीशन नहीं दे पाएंगे। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि इसको जो कोर्ट में जो पेंडिंग होल्ड पे रखा हुआ है उसमें अपना पक्ष रखें ताकि सभी लोगों को रोजगार प्रदान हो सके। जय हिंद। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।